हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट से अपना पैन कार्ड बनाया है जो कि आधार ओटीपी के थ्रू, उसमें आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता जो कि वो फ्री में बन जाता है पैन कार्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी कुछ इस तरीके से डिजिटल पैन कार्ड बना चुके हैं और इस पैन कार्ड से अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, इस पैन कार्ड को अगर आप बैंक में देते हैं तो वो बोलेगा कि इसमें आपका पिता का नाम नहीं है, इसमें सिग्नेचर नहीं है, तो कैसे इस पैन कार्ड को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इस पैन कार्ड को आप कैसे फिजिकल पैन कार्ड में चेंज कर सकते हैं जिसमें आपका पिता का भी नाम रहेगा और उसमें आपका सिग्नेचर भी रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ना सिग्नेचर मिल रहा है ना इसमें आपको पिता का नाम मिल रहा है, तो इस पैन कार्ड को अगर आप फिजिकल पैन कार्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपको पिता का भी नाम आ जाएगा और उसमें सिग्नेचर भी आ जाएगा और आपका सारा काम हो जाएगा, जो कि इस पैन कार्ड से बहुत सारा काम नहीं हो पाता है। तो किस तरीके से आप डिजिटल पैन कार्ड को फिजिकल पैन कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको गूगल में आना है, गूगल में आपको टैप करना है ई फाइलिंग, यहाँ पे ई फाइलिंग आपको टैप कर लेना है और आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा वेरीफाई योर पैन पे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई योर पैन, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर टैप करना होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम मिल जाएगा, तो जो आपके पैन कार्ड पे नेम है वो आपको टैप कर लेना होगा। इसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मोबाइल नंबर टैप करना होगा। मोबाइल नंबर आपको वही टैप करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, वही आपको मोबाइल नंबर टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सारा डिटेल्स फिलअप कर चुके हैं, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पेज में ओटीपी मांगा जा रहा है, यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है जो आप देख सकते हैं लास्ट दो डिजिट शो कर रहा है और फर्स्ट दो डिजिट शो कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, जो आधार लिंक मोबाइल नंबर होता है उसी पे ओटीपी जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ओटीपी टैप कर देते हैं जो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया हुआ है, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं वैलिडेट पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेज लोड ले रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर अज पर पैन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है, चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको गूगल में टैप करना है रीप्रिंट पैन कार्ड, आपको रीप्रिंट पैन कार्ड टैप करके आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर टैप करना होगा और यहाँ पे आधार नंबर टैप करना होगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का मंथ आपको सेलेक्ट करना होगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो ईयर है वो आपको टैप करना होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जीएसटी ऑप्शनल है, आपको जीएसटी वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सारा डिटेल्स फिलअप कर दिए हैं, इसके बाद इस पर हम टिक करते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा है, ये आपको कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैप्चा हम यहाँ पे टैप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स आ चुका है, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारा जो कि डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लिक करते हैं मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे जो आपको OTP सेंड करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ साथ ईमेल लिंक है नहीं, तो ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे OTP सेंड कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड आधार लिंक मोबाइल नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, तो यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं OTP। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम OTP टैप कर दिए। इसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपके घर पे फिजिकल पैन कार्ड आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे हम पे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम चाहें तो पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पेटीएम से पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पेटीएम नंबर टैप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे OTP चला गया है। इसके बाद यहाँ पे हम OTP टैप कर देते हैं, और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट है, उसका पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड फिलअप कर देते हैं। पासवर्ड टैप करने के बाद यहाँ पे ऐड टू पे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पेमेंट डन हो चुका है। तो यहाँ पे वेट करने के लिए कुछ समय बोला जा रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सेकंड्स आपको लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश ले लेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट कन्फर्म हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट भी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और रिसिप्ट को आपको सेव करके अपने फ़ोन में रख लेना है। इससे आप स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कहाँ तक पहुँचा है। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करने के बाद आपके घर पे 15 दिनों के अंदर फिजिकल पैन कार्ड पहुंचा दिया जाएगा इंडिया पोस्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स उसमें कुछ कमी भी रहेगा क्या? तो फ्रेंड्स हम बता दें, उसमें एक चीज की कमी रहेगा, उसमें सिग्नेचर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है। क्या इसमें दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स उसमें सब कुछ रहता है, लेकिन उसमें सिग्नेचर नहीं रहता है। जब आपके घर पे पहुंच जाए पैन कार्ड, तो आपको क्या करना है, कॉरेक्शन करना पड़ेगा पैन कार्ड का, उसमें फिर से आपको सिग्नेचर अपडेट करना होगा। तो फ्रेंड्स सिग्नेचर कैसे अपडेट किया जाता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।